हेलो दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती। हाल ही में 19 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, वकील और राजनीतिज्ञ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा आगरा और लखनऊ विश्वविद्यालयों से प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विधि यानी कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1940 में लखनऊ में उन्होंने वकील के तौर पर कार्य शुरू किया, जिसके कुछ समय पश्चात वे कांग्रेस में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वे लगभग 8 महीनों तक जेल में रहे। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा स्वतंत्र भारत के राजनीतिक वातावरण में और अधिक सक्रिय हो गए और उन्होंने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य किया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने वर्ष 1992 से वर्ष 1997 तक देश के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया। उन्हें वर्ष 1984 में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 26 दिसंबर 1999 को नई दिल्ली में 81 वर्ष की उम्र में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का निधन हो गया।